أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ask Wazaif Teacher Channel के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इस्लामी भाई बहने अल्लाह करीम के फजल करम के साथ खैरियत व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हाज़रीन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बाबरकत अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। जुम्मतुल मुबारक का आज खास दिन है। ये वो बाबरकत दिन है जिसको हफ्ते के बाकी तमाम दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत और अहमियत हासिल है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इस बाबरकत दिन के सदके तमाम मुसलमानों की परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां दूर फरमाए। इस बाबरकत दिन के सदके तमाम मुसलमानों के रिज्क में बेहिसाब बरकतें पैदा फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक यानी आज के दिन ईशा की नमाज के बाद सूरत कौसर को 11 मरतबा इस तरह पढ़ लें। अल्लाह के फजल व करम से आप देखेंगे कि सुबह होने से पहले पहले घर में बेहिसाब दौलत आएगी और इस बाबरकत दिन अल्लाह बेहिसाब रिज्क अता फरमाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक की खास घड़ी, कबूलियत की घड़ी, असर की नमाज से लेकर मग़रिब की नमाज अजान तक का दरमियानी वक्फा है, जो इस्लामी भाई बहन कसरत के साथ खलूस नीयत के साथ दरूद पाक पढ़ ले तो अल्लाह तबारक तआला उसकी हर परेशानी को दूर फरमाते हैं और उसके दर्जात को बढ़ा दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक के दिन ईशा की नमाज के बाद बावुज़ू हालत में अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़कर दरमियान में सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना है। 11 मरतबा सूरत कौसर का वजीफा करें, 3 मरतबा तीसरा कलमा और 100 मरतबा अस्तग़फार का विर्द करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला उसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी और हर परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। इस बाबरकत अमल के सदके अल्लाह तबारक तआला आपके रिज्क में हैवी मदद फरमाएगा और आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और इजाफा होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में बाबरकत दिनों की वीडियो अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरत बकरा की आखिरी 3 आयात की तिलावत रोजाना घर में कर लिया करें। इंशाअल्लाह इस बाबरकत आयत मुबारका के सदके आपके रिज्क में बरकतें होंगी और सारा दिन आप परेशानियों से दूर रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पर अमल करें और अमल करके सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि हर उम्मत मुस्लिमा का फर्द इन बाबरकत अमल से फायदा अंदोज हो सके। अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसलमानों की परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां दूर फरमाकर माली मुश्किलात को हल और आसान फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसलमानों का हामी मददगार हो। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।